नेता राहुल गांधी की अयोग्यता को भाजपा की चाल करार देते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कहा कि अयोग्य ठहराए गए सांसद जनता के मुद्दों पर बोल रहे थे, जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी, धार्मिक ध्रुवीकरण और अडानी। राहुल 23,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर बोलना चाहते थे, ये किसका पैसा था? राहुल ने इन मुद्दों को लोकसभा में उठाना चाहते थे और बीजेपी नहीं चाहती थी कि पीएम सांसद में शामिल हो, यही कारण है कि उन्होंने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। हमारे नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, विपक्ष के एक प्रभावी नेतृत्व राहुल गांधी जी के बारे में आपने सामने देखा है कि उन्होंने अदानी के मामले के ऊपर अपनी आवाज लोकसभा में उठाने के लिए बहुत प्रयास किया। लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता है, कहीं बाहर बोलो तो उसको भी दबाने की कोशिश होती है, और अगर प्रदेश में जाके भी बोलो तो उसके ऊपर भी आपत्ति जताई जाती है कि ये हमारे देश की बातें प्रदेश में क्यों बोलते हैं। दोस्तों, भाजपा के मंत्रियों ने राहुल जी पे आरोप लगाए, पार्लियामेंट में उनका माइक बंद किया जाता है। सच्चाई, अदानी का मामला, जो उनके शेयर्स के बारे में आए हुए कई चीजें जो देखा, मार्केट जो क्रैश हुआ, ये सब चीजें अगर आपने गहराई से मीडिया ने देखा ही है, और खास करके मीडिया ने एक्सपोज किया है कि ये मामला कितना गंभीर है। ओवरसीज में एफडीआई का इन्वेस्टमेंट जो ओवरसीज से आया हुआ है, उसमें सच्चाई क्या है, किसका पैसा ये है, ऐसे अहम मुद्दों पर राहुल जी ने जब कुछ बोलना चाहा तो बोला नहीं दिया गया। दो दो चिट्ठियां राहुल जी ने लोकसभा के स्पीकर को लिखी कि भाई मैं इस विषय पे अपनी भूमिका रखना चाहता हूं, कुछ बोलना चाहता हूं, कोई जवाब नहीं। राहुल जी खुद होकर स्पीकर से मिलने गए, अपनी भूमिका स्पीकर के सामने रखी कि ये मामला गंभीर है, देश के लोगों का पैसा लगा हुआ, जुटा हुआ है, एसबीआई के जरिए लोगों के दिए हुए पैसे को वहां इन्वेस्ट किया गया है, एलआईसी का पैसा इन्वेस्ट किया गया है, और सडनली जो परिस्थिति निर्माण हुई है तो आम आदमी का ही पैसा इसमें जो इन्वेस्ट हुआ है उसका भविष्य क्या है, ऐसे कई सवाल जब पूछे गए थे तो स्पीकर ने भी उनको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया।